किन्नरों का वजूद उतना ही पुराना है जितना मानव सभ्यता का इतिहास। किन्नर हर काल और हर हाल में मानव समाज का हिस्सा रहे हैं, फिर चाहे हम किसी भी धर्म, मजहब, पंथ या देश की बात करें। सवाल ये है कि हजारों साल के इतिहास में क्या किन्नरों को मानव समाज में वो स्थान मिला जिसके ये अधिकारी थे। भारत में किन्नरों को लेकर सामाजिक व धार्मिक बदलाव किस तरह से हुआ है, इसे जानने व समझने के लिए हाल के वर्षों में हुई घटनाओं पर प्रकाश डालना आवश्यक है। बात शुरू होती है प्रयागराज में हो रहे कुंभ से। इस कुंभ में किन्नर अखाड़े ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी है। किन्नर अखाड़े ने पेशवाई निकालने व शाही स्नान की भव्य तैयारी की है। हालांकि किन्नर अखाड़ा पेशवाई को देवत्व यात्रा व शाही स्नान को अमृत स्नान के नाम से संबोधित करता है। देवत्व यात्रा को भव्य बनाने का काम अखाड़े के महामंडलेश्वरों, मंडलेश्वरों, श्रीमंत तथा अन्य अधिकारियों को सौंपा गया है। किन्नर अखाड़ा अपने मेला शिविर में पूजा पाठ, यज्ञ आदि धार्मिक कार्यों को भी करेगा। 13 अक्टूबर 2015 को अस्तित्व में आए किन्नर अखाड़े का लगातार विस्तार हो रहा है। इस अखाड़े के महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी हैं, जिन्हें उज्जैन सिंहस्थ कुंभ में महामंडलेश्वर घोषित किया गया था। बता दें कि विभिन्न क्षेत्रों से आए 60 किन्नरों को प्रयाग के बद्रिका आश्रम मठ स्थित कार्यालय पर स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती द्वारा वैदिक संस्कारों से दीक्षित किया गया था। दीक्षा प्राप्त करने के बाद किन्नरों ने सन्यासी का वेश धारण कर वो वैदिक संस्कार पूरे किए जो एक सन्यासी करता है। साल 2018 के सितंबर महीने में अखाड़े के महामंडलेश्वर द्वारा देश के प्रमुख राज्यों तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के अतिरिक्त दक्षिण भारत, उत्तर भारत, विदर्भ, पूर्वोत्तर भारत के लिए अलग अलग महामंडलेश्वर बनाए गए। यहाँ यह जानना भी अहम है कि किन्नर अखाड़ा अपनी स्थापना के बाद से ही अलग अखाड़े के रूप में मान्यता दिए जाने की मांग करता रहा है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने किन्नर अखाड़े को 14वें अखाड़े के रूप में मान्यता देने से साफ इनकार कर दिया है। समुदाय का हम लोग समर्थन करते हैं, समाज में रहते हैं, अच्छा उनका सम्मान करते हैं, लेकिन अखाड़े के रूप में नहीं। अखाड़ा न बनेगा, न बनेगा, 13 अखाड़े हैं वही रहेंगे, 14वां अखाड़ा कभी बनता नहीं है। इसी आधार पर उज्जैन कुंभ में अखाड़ों ने किन्नर अखाड़े को कोई महत्व नहीं दिया और बहिष्कार किया। जो भी सनातन धर्म की गद्दी पे है उसका सम्मान करते हैं, भले वो हमारा तिरस्कार करे। मैं सबको न्योता देती हूँ आप लोगों के माध्यम से कि किन्नर अखाड़ा 6 जनवरी से हमारे प्रवेश के बाद पूरे समाज के लिए खोला जाएगा और आप स्वयं आए और सारी माइयों से, महंतों से आशीर्वाद और आशीष लें। लेकिन इन तमाम विवादों के बाद भी किन्नर अखाड़े ने अपनी पेशवाई यात्रा निकाली और शाही स्नान कर अपने अस्तित्व का आभास कराया। अब एक बार फिर यही स्थिति प्रयाग कुंभ में भी नजर आ रही है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी का कहना है कि आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित की गई परंपरा के अनुसार 13 अखाड़ों के अतिरिक्त अन्य कोई अखाड़ा नहीं बन सकता है, जबकि किन्नर अखाड़े ने यहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी है और देवत यात्रा व अमृत स्नान की पूरी तैयारी हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि हालात नहीं बदले हैं। उज्जैन कुंभ के बाद स्थितियों में परिवर्तन आया है और अखाड़ा परिषद किन्नरों को सन्यासी बनाने के लिए तैयार हुआ है। सभी अखाड़ों ने सन्यासी बनने के इच्छुक किन्नरों के प्रवेश के लिए अपने द्वार खोले हैं। अखाड़ों का कहना है कि सन्यास लेने वाले किन्नरों को सनातन परंपरा के अनुसार आचरण करते हुए धर्म के मार्ग पर चलना होगा। अखाड़ों की तरफ से यह भी कहा गया है कि सन्यास लेने वाले किन्नरों को यदि धर्मशास्त्र की जानकारी होगी तो मंडलेश्वर या महामंडलेश्वर जैसे उच्च पद भी दिए जाएंगे। अखाड़ा परिषद ने
किन्नरों को धर्म से जोड़ने के लिए उन्हें संस्कृत और वेदों की शिक्षा अखाड़ों द्वारा संचालित स्कूलों के माध्यम से दिलाए जाने की योजना भी बना रखी है। किन्नरों के वजूद को लेकर तो किसी बहस की गुंजाइश ही नहीं है। हिंदू पौराणिक ग्रंथों में उन्हें यक्षों और गंधर्वों के बराबर का स्थान दिया गया है। धर्म ग्रंथ शिखंडी, इला, मोहिनी आदि किरदारों से भरे हुए हैं। महाभारत में शिखंडी के पात्र से हम सभी परिचित हैं। शिखंडी की वजह से युद्ध का स्वरूप ही बदल गया था और पांडव विजयी हुए थे। माना तो यह भी जाता है कि किन्नर भगवान शिव का वो अंश है जिन्हें हम अर्धनारीश्वर के रूप में जानते हैं। यहाँ यह जानना भी जरूरी है कि हालात तब बदले थे जब भारतीय उपमहाद्वीप पर 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश अपना शासन जमाने आए। अंग्रेजों ने किन्नर समुदाय को कई कानूनों के माध्यम से अपराधी करार करने की कोशिश की, लेकिन भारत की आजादी के बाद इन सभी कानूनों को रद्द कर दिया गया। अब एक बार फिर किन्नर भारतीय समाज में अपना अस्तित्व बता रहे हैं और समाज भी उन्हें आत्मसात करने को तैयार है। इसका उदाहरण कुंभ में पेशवाई के दौरान उमड़ने वाली भीड़ है। भले ही कुछ बिंदुओं पर विरोध है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम बदलाव की ओर अग्रसर नहीं हैं। यही तो भारतीय दर्शन की खूबी है कि जो इस सागर में उतरता है वह इसमें ही विलीन हो जाता है। धार्मिक ही नहीं, सामाजिक परिवर्तन के लिए भी हमने कदम बढ़ाए हैं। भारत में साल 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी दस्तावेजों में बकायदा थर्ड जेंडर के तौर पर एक पहचान दी है। अब किन्नर समुदाय के लोग सरकारी नौकरियों में जगह पा सकते हैं, स्कूल कॉलेज में जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। उन्हें वही अधिकार प्राप्त हैं जो किसी भी भारतीय नागरिक के हैं।